हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक अपडेट ग्रुप डी वालों के लिए ज्वाइनिंग को लेकर है। बड़ी खबर आई है, ये काम कर लो जल्दी, नहीं तो पछताओगे। जी दोस्तों, ये देखिए ये खबर है। ग्रुप डी के 2600 पद भरे जाएंगे, उम्मीदवार 16 अगस्त 2024 तक अपनी अपडेट कैटेगरी अपलोड करें। जो 2600 पदों पर चयन करने जा रहा है ग्रुप HSC आयोग ने इसकी घोषणा पर कर दी है। साथ में कहा है कि उम्मीदवार अपनी कैटेगरी 16 अगस्त 2024 तक अपडेट कर लें। आयोग के सचिव की तरफ से सारी जानकारी नोटिस में लिखा गया है, यानी एक नोटिस डाला गया HSC की द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप वहां पर जाकर देख भी सकते हैं। अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए बताया जाता है कि आयोग सामान्य वर्ग और विभिन्न बोर्ड निगमों से ग्रुप डी के 2600 पदों को अधिसूचित करता है। ये पद विज्ञापन 1/2023 के CT ग्रुप डी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। हालांकि आयोग ने सामान्य श्रेणी के गैर चयनित CET ग्रुप डी योग्य अभ्यर्थियों को, जो अब नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार BCA और BCB श्रेणी के हैं, ऑनलाइन लिंक खोलकर अपने BCA और BCB श्रेणी के प्रमाण पत्र अपलोड करने का अवसर देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में इसे ऐसे अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है वे सरकार के दिशानुसार ताज़ा नवीनतम BCA या BCB प्रमाण पत्र प्राप्त करें, जो दिनांक 22/3/2022 को जारी संख्या ये आपको दिया गया है। और तो मेन बात इसमें ये है दोस्तों कि जो आपकी ग्रुप डी के 2600 पद भरे जाएंगे उसको लेकर ये अपडेट है कि 16 अगस्त 2024 तक अपनी अपडेट कैटेगरी अपलोड करें। ये बड़ी खबर थी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब को जरूर कर लें। और जो अपलोड का समय इसमें दिया गया दोस्तों, वो ये है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसे अपलोड करने के लिए 12/8/2024 से 16/8/2024 11:59 PM रात तक ये लिंक है, और लिंक पर जाएं। तो बड़ी अपडेट थी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय जय भारत।